ठीक है, आगे देखो। हाँ तो ये इसमें क्या करेंगे, ये तो मान लो सिक्वेंस, ये तुम्हारा डीएनए का लीनियर फॉर्म बोले ना, स्टेट तुम, ये तुम्हारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। ठीक, अब इसमें आपको रिपीटेड डीएनए करना है। एडेनिन हो गया, एडेनिन हो गया, क्या हो गया, और भी होगा ना, एडेनिन थायमिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन, सही तरीके से लिख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का क्या बन जाएगा, टी टी ए टी हाँ टी, ठीक है बेटा, टी का ए, सी का जी, अरे जी का सी, ठीक है, बन गया ना। मैंने बताया ना, रिपीटेड मोर देन है ना, रिपीट रिपीट है कि नहीं। यस मैम, हाँ चलो, अब इसका हम इसका जो करेंगे, तो पैलिंड्रोमिक जो करेंगे वो देखो कैसे होगा। क्या हो गया ना, सोई है ना, सोई चम्मच है। देखो, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रीड सेम, क्या होता है, सेम होता है। जैसे अ सेगमेंट, अभी फिगर बनाऊंगी तो समझ में आ जाए, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रीड रीड्स द सेम, क्या होता है, सेम होता है। व्हेन, जैसे कि इधर से पढ़ोगे तो वही पढ़ोगे, और इधर से भी, राइट से भी या लेफ्ट से भी, तो दोनों को पढ़ने पे वो क्या आएगा, सेम आएगा। सेम हाँ, ओरिएंटेशन इसका क्या होगा, बाय रीडिंग इज कैप्ट सेम। ठीक, रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम फिर देंगे, हम फिर देंगे, समझ जाना, हम खाना ही नहीं खाएंगे, समझ जाओ, अगर ऐसा चलेगा तो। रिस्ट्रिक्शन साइड फॉर, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइड क्या मतलब, जहां से कट किया जाता है बेटा, ठीक है, एंजाइम है ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन साइड, हम क्या करते हैं, वहां से कट करते हैं। मान लो जैसे कि फाइव प्राइम है, ठीक है, ये आपका फाइव प्राइम, ऐसे लिख सकते हो, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, थ्री प्राइम, फाइव जहाँ रहेगा वहां पर थ्री रहेगा, जहाँ थ्री रहेगा उसका फाइव रहेगा। ठीक है, मान लो, हाँ ये मान लो ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, थ्री प्राइम, क्या हो जाएगा, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम। अब तुम देखो इसको पढ़ के देखो, जी ए टी टी सी है ना, है ना, यस मैम, इसका ये देखो, यही सीक्वेंस तुम्हारा इधर से पढ़ रहा है कि नहीं, जी ए टी टी सी आ गया ना, ये यस मैम, आ मैंने गया। क्या बोला कि सेम होगा, सेम होगा ना, पढ़ोगी तो सेम सीक्वेंस आएगा। देखो जी ए टी टी इधर से पढ़ी, ऐसा आया इधर से, ये लाइन तुम हाँ पढ़ रही हो सेम है, और यही चीज तुम इधर से पढ़ रही हो, सेम है कि नहीं, है ना, यस मैम, एग्जैक्ट सेम है ना। हम्म, हाँ, जैसे मान लो मामा है, मान लो मामा, मामा इधर से भी पढ़ोगे तो मामा पढ़ेगा कि नहीं, दोनों साइड से पढ़ोगे, तो मैम, कोई भी एग्जांपल हाँ समझ जाओ, ऐसे सेम, ठीक है, हाँ ये यस इधर से मैम, पढ़ा तो ये आ गया, क्योंकि अब भाई अब इसका जस्ट वो कर दो जी, ये कन्वर्ट करोगी, कन्वर्ट करोगी कि नहीं, तुम एग्जाम्पल डाली हो तब तुम समझोगी, इधर से भी पढ़ो तो सेम, इधर से भी पढ़ो तो सेम, राइट से भी और लेफ्ट से भी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बेटा। नो मैम, नहीं है। हाँ, और रिस्ट्रिक्शन साइट मान लो कहीं भी तुम डाल सकते हो, मान लो अगर इधर कट, रिस्ट्रिक्शन साइट जहां से कट किया जाता है बेटा, ठीक है, ये दिमाग में रखे रहो, एंजाइम से जो कट किया जाता है। तो अब देखो, अब जो मैंने टाइप में बताया, में थोड़ा क्या कहते हैं, ये सिवा अल्लाह नहीं बेटा, ये तुम्हारा मान लो टाइप मैंने बताया ना, डीएनए का थोड़ा सा टाइप जान लो इसका, डीएनए का, ठीक है, ओके, कौन कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट मान लो ए डीएनए होता है,
सेकंड मान लो बी डीएनए होता है यहाँ का ना, हाँ हाँ, और इसका बेस पेयर क्या हुआ, ये टाइप हो गया, और इसका बेस पेयर, बेस पेयर या टर्न, ठीक है, क्या होगा और क्या, और क्या बेटा, और वी क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, वाइड चौड़ाई जो है उसका, हेलिक्स जो एक टर्न जो ले रही हो, ठीक है, और ये हो क्या, रोटेशन, पूछता है क्वेश्चन रोटेशन क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट होता है कि राइट होता है, ठीक है बेटा, यस मैम, चलो इसको भरते जाओ। सिवा क्या करते हो बेटा, ये सी हो गया, ये डी हो गया, जेड हो गया, इतना ही आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सारा याद रखना, कहीं से पूछ लेगा, यस मैम, इसको फीवर नहीं आया है, चलो देखो बेस पेयर क्या हो जाएगा बेटा, तो इलेवेंथ होता है, बी का टेन होता है, हमारा क्या है, हम जो पढ़ रहे थे ये एट होता है, टेन बेस पेयर पढ़ रहे थे, yes, हम क्या लिखते हैं, बी वाला लिखते हैं, ठीक है, टेन, हाँ, ये क्या हो गया 2.56, इसका हो जाएगा 3.4, यही है ना, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना, yes, ma'am. इसका होता है 3.3 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है डी डीएनए का 3.0 ए एंगस्ट्रॉम, आता है क्वेश्चन आएगा कि डी डीएनए होता है मतलब जो राइट हैंडेड होता है कि लेफ्ट हैंडेड होता है, इस तरह पूछ लेगा, जेड जो होता है 3.8 एंगस्ट्रॉम होता है इसका, क्या डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर के बीच की बात करें तो, ये इसके हेलिक्स की वाइड की बात करें तो ये 23 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका मैंने तुमको बताया था ना जो हम लोग बी डी एन ए पढ़ते हैं, ठीक है, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 19 एंगस्ट्रॉम डी का, मोस्टली ज्यादातर तुम्हारे पूछता है ए बी और जेड के बारे में पूछता है, ये हो गया 24 और ये हो गया 18.4, ठीक, ये हो जाएगा राइट, सबके सब तुम्हारा राइट होगा, बस तुम्हारा जेड जो है ना ये हो जाता है लेफ्ट, तो ये याद रखना, जरूर आता क्वेश्चन इसमें तो आता ही है, सब तुम्हारा राइट होगा, तो हमारा डीएनए जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, राइट डीएनए पढ़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट डीएनए तुम्हारा, ठीक, समझ में आया, याद रखना, मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करो तुम तो, मान लो ए एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ट्रिप्टोफैन, फ्रैप्टोफैन, इसको कन्वर्ट करो तो बोलते जाओ, ठीक है ना, ये समझ में आया ना, मान लो ये सीक्वेंस दे देगा, तुमको चेंज करना है, अब देखो एक मान लो, एक है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछेगा, ठीक है, तो बताओ 5 ए डबल बॉन्ड 10 कितना हो जाएगा, इसमें कितना होगा, कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा, डबल है ना, और यही अगर 4 किया,
फोर किया तो कितना हो जाएगा, यही देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, कितना हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। हाँ अरे यार ये चार थ्री थ्री जाओ जाएगा, ट्वेल्व फाइव टू जाओ जाएगा, ये दो है ना, ये तुम्हारा टू है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तुम्हारा थ्री है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बदल कर लोगी ना, कर लोगी ना। चलो एक और करो, मान लो क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो क्या बताओगी, वन स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड क्या होता है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वन स्ट्रैंड में तुम्हारा क्या होगा नंबर ऑफ बेस कितना होगा, नाइन होगा, ठीक है बेटा नाइन होगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा वन स्ट्रैंड हो जाएगा, ठीक यही अगर दे दिया जाए टेन बेस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट दे दिया जाए तो क्या करोगे, क्या हो जाएगा ये नाइन से एन टू कर देंगे, टू स्ट्रैंड हो जाएगा ना, टू इंटू एट, एट दिया है ना मैंने, एट दिया है यहाँ पे, एट दे रखा है, जस्ट डबल कर दोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा, ठीक है समझ में आया, जो दिया रहेगा उससे तुमको क्या करना है, डबल स्टैंड पूछ रहा है तो जस्ट डबल से, डबल स्टैंड पूछ रहा है तो जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे देखो सी वैल्यू ऑफ डीएनए, एक और नाम चिल्ला बनाएंगे चार मत बचाना, ठीक है सी वैल्यू ऑफ डीएनए हम बेसन का बनाएंगे, ठीक है ये हो गया तुम्हारा। अब हम पढ़ेंगे ये पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है बहुत अच्छा है, पहले कहानी तरह समझ लेना फिर उसके बाद लिख पाऊंगी, क्या है टोटल एग्जाम में आया था कि नहीं तुम्हारे टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, नो मम्मी ये नहीं आया था, नहीं आया था टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आया था, इज इन जीनोम क्या होगा, इसको मेजर किया जाता है पीको पीको पीकोग्राम से, मतलब इसको किया जाता है पी, ठीक है इसको लिख लो जीनोम को मेजर इन पीकोग्राम, ठीक है ओके, सी वैल्यू मतलब क्या हुआ टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन जीनोम, ठीक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो लोग सर्च किए हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ ले, मैं तुम्हारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है आता है उससे क्वेश्चन क्या है थोड़ा बताओ, नहीं तुमको नहीं मालूम कहानी सुन लो, देखो इन्होंने क्या किया था ग्रिफिथ भाई साहब ने, लिख लो ग्रिफिथ फ्रांस, एक दो और एक्सपेरिमेंट है दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्रांस नेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है इन्होंने 1992 में सर्च किया था, ठीक है इन्होंने क्या किया था स्ट्रेप्टोकोकस बेटा या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है तुम्हारा, ठीक है या तुम कह सकते हो निमोनिया डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, अभी लिखती हूँ पहले कहानी सुन लो ध्यान से सुनना, उन्होंने बैक्टीरिया को लिया, ठीक है और होस्ट किसको लिया चूहा को लिया, ठीक है ना मैंने एक बैक्टीरिया को लिया और एक चूहा को लिया, बैक्टीरिया क्या है स्ट्रेप्टोकोकस है, नहीं दे रहा है तो देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक आर स्ट्रैंड ले लिया एक एस स्ट्रैंड ले लिया, शिवा शिवा थोड़ा कम बोलो ना बेटा,
एक हो गया आर स्ट्रेन, एक हो गया एस स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन को जैसे मान लो उन्होंने क्या किया ना पहले, हाँ उन्होंने जैसे कि एक वायरुलेंट लिया, एक क्या किया नॉन वायरुलेंट, तो नॉन वायरुलेंट को उन्होंने आर स्ट्रेन बोल दिया और वायरुलेंट को उन्होंने एक्स स्ट्रेन, मतलब जिसमें वायरस है वो एस स्ट्रेन और जिसमें वायरस नहीं है उसको ही नॉन वायरुलेंट बोल रहा है, उसको आर बोल रहा है, ठीक है समझी। तो देखो जैसे मान लो उन्होंने पहले, मैं अभी बताती हूँ, जैसे मान लो उन्होंने क्या किया कि क्या चल रहा, उन्होंने क्या किया एक जिंदा चूहा लिया, ठीक है लाइव लिया, अभी मैं अभी लिखवाऊंगी एक्सपेरिमेंट लिखवाऊंगी। तो उन्होंने लाइव चूहा लिया, ये क्या हो गया आर स्ट्रेन हो गया, आर स्ट्रेन मतलब आर स्ट्रेन में किसको बोल रही थी बेटा, ये नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरल, समझ रहा कि नॉन वायरस है, इसमें वायरस नहीं है, ठीक है इसमें वायरस नहीं है भाई। वायरस किसमें है, जिसमें मैंने बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया क्या है तुम्हारा जो मैं तुमको बता रही ना, चाहे तुम स्ट्रेप्टोकोकस लो, चाहे निमोनियोकोकस लो, चाहे डिप्लोकोकस लो, ये बैक्टीरिया ले लिया, बैक्टीरिया ही को ये क्या कह रहा है वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट बोल रहा है, वायरुलेंट एस को बोल दिया, मतलब एस स्ट्रेन है। अभी बस कहानी सुन लो फिर अच्छे से बताऊंगी, एस स्ट्रेन को उन्होंने वायरुलेंट बोल दिया, मतलब इसमें बैक्टीरिया होगा, ठीक है समझी। हेलो हेलो होना मम्मी आ रही आवाज, हाँ आ रही है, ठीक है बेटा। जैसे कि उन्होंने एक आर स्ट्रेन लिया, एक एस स्ट्रेन लिया, तो एस स्ट्रेन को उन्होंने बोला कि इसमें वायरस है वायरुलेंट है, और आर स्ट्रेन को उन्होंने बोला नॉन वायरुलेंट है। तो अब क्या किया ना उन्होंने, सबसे पहले क्या किया, एक जिंदा चूहा को लिया, जिंदा माउस को लिया, जिसको इन्होंने आर बोल, मतलब आर समझी, मतलब नॉन वायरुलेंट, इसमें वायरस नहीं है, मैं सिर्फ आर लिख रही हूँ, ठीक है वायरस नहीं, समझ रही हूँ ना। अब मैं इसमें वायरस डाल रही हूँ, इंजेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको चूहा तुम बना लेना चाहते, तुमको समझ नहीं आया, चूहा ऐसे बना लो, ऐसे चूहा बना लो, एक सुई बना दो यहाँ पर, इंजेक्ट कर दो, इंजेक्ट कर दो, तो मतलब इसमें तुम क्या वायरस इंजेक्ट कर रही हो, बैक्टीरिया इंजेक्ट कर रही हो माइस में, मतलब चूहा में। तो क्या हुआ वो चूहा क्या हुआ, जिंदा रहा, मरा नहीं। पहला एक्सपेरिमेंट मतलब उन्होंने किया, कई बार उन्होंने देखा पहला किया, फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, चूहे को ही लेके फिर से जिंदा चूहा को लिया, बट उसमें एस डाल दिया, एस मतलब बेटा वायरस डाल दिया, वायरस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को डाल दिया, ठीक है समझी। इंजेक्ट इसमें भी इंजेक्ट किया, तो चूहा क्या हुआ मर गया, इसमें वायरस नहीं था, समझ रही हो, पहले वायरस में वायरस नहीं था, आप स्टेट जो मैं लिख रही हूँ ना तो वो जिंदा रह गया, दूसरे वाले में वायरस है तो वो मर गया, जाहिर सी बात है। तीसरे वाले में क्या करेगा कि एस जो है वायरस है उसको उसने क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक फ्लेम जला लो, अच्छी तरीके से समझने के लिए फ्लेम जला लो, हीट कर दो, हीट कर दी, तो जैसे ये हीट हुआ तो हीट हुआ तो फिर चूहा जिंदा हो गया, लाइव हो गया, मर मतलब वायरस को हीट कर दिया, अब आई थिंक वायरस को हीट करने से वो क्या हो गया मर गया, तो चूहे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, चूहा जिंदा रह गया। फिर क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया फोर्थ में, क्या किया कि उन्होंने आर को ले लिया जो नॉन वायरुलेंट था, ठीक है, इसके साथ फिर उन्होंने एस को भी डाल दिया, ठीक है जो वायरुलेंट था, जो वायरस था, ठीक है समझ रही हो, जो किल कर रहा था, जो मार रहा था, ओके। तो फिर उन्होंने देखा, फिर इसको इंजेक्ट किया, इन दोनों को मिला के, ठीक है इसको इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट किया तो फिर चूहा क्या हुआ, फिर मर गया। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, डाई हो गया उन्होंने, यानी कि एस को फाइंड आउट कर दिया, लाइव एस को, मतलब जो वायरुलेंट है, जो वायरस है उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जो कि चूहा को मार रहा था, समझ में आया। तो यानी कहीं ना कहीं वो जीन ट्रांसफर हो रहा है ना वायरस का,
उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब बोला असिस्टेंट को कि तुम्हारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर आर आर जो है वो ट्रांसफर किस में हो जा रहा है, असिस्टेंट में हो जा रहा है। ठीक है, पानी समझ में आया? हाँ मैम। चलो अब समझ जा, एक चूहा को ले ली, अब वो एक असिस्टेंट ले लिया, मतलब एक वायरस को लिया, दूसरा नॉन वायरलेंट वायरस वायरलेंट ले लिया, इसको इरेज कैसा करें यार, इरेज हो जा भैया, ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा दिक्कत है क्या मैंने इसमें, हाँ यार ये हैंग हो रहा, कोई नहीं दूसरा देखते हैं, दूसरा पेज चूज हो रहा है तो उसपे कर दे रहे हैं। ठीक है, इरेज तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा पेज देखते हैं चूज हो रहा है। हाँ चूज हो गया, दिख रहा है क्या पेज? यस मैम आ गया, आ गया ना, तो अब इस पे मैं हेडिंग डाल दो, ज्यादा बेटर है ना, मैं तो फिर हैंग होने लगता, इस पे हेडिंग डाल लो, क्या मैंने हेडिंग डाला था, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, मटेरियल yes, देखो तुम फिगर डालोगी ना, फिगर तुम देख लोगी ना, एनिमेटेड फिगर देख लोगी ना, गूगल पे डालना ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, या तुम उसमें भी देख लो एनसीईआरटी में भी देख लो, एनसीईआरटी से अच्छा तुम्हारा उसमें फिगर बस तुम डाल देना, फिगर देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि इसमें वायरलेंट डाल रहा, क्योंकि मैं फिगर नहीं बना रही हूँ, मैं अब चूहा बनाते रह जाऊंगी तुम वैसे फिगर छोड़ के तुम चूहा बना लेना, ताकि तुम जब रिविजन करोगे ना तो ज्यादा तुमको आसान पड़ेगा, है ना, ये इंजेक्शन बनाओगी और माउस बनाओगी तो देखते ही तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वो तुम तुरंत समझ जाओगी। ठीक, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, मॉडल उन्होंने क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस या निमोकोकस, साइलेंट होता है, ठीक है, फोकस ये पास में रहेगा बेटा, मैंने दूध लिख दिया पर आप पास में लिखना, फोकस इसको ही क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया या डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, ये क्या है आपका, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये चाहिए चाहिए आएगा क्वेश्चन में, तब लगाओगे इसको, ठीक है, ट्रिक जो भी ऑप्शन आ जाए ट्रिक आपको यही लगाना है, तो मान लो होस्ट मतलब जिसको हम जिसके ऊपर सर्च करना है, ये क्या है, होस्ट हो गया, जिसमें हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइस, चूहा या माउस लिखो या माइस लिखो, ठीक है, स्ट्रेप्टो क्वेश्चन आएगा तब क्या लगाओगे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, ये तुम्हारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, दो फॉर्म में हो रहा है, इन टू फॉर्म, दो स्ट्रेन ले रहा ना, इसको ही नाम दे दिया ना बेटा, इसको ही उसने नाम दिया, एक आर और एक क्या नाम दिया, इसको ही दो फॉर्म में मैं कर रही हूँ ना, इसको ही एक को आर बोल दिया, आर स्ट्रेन, एक और एक को एस, ठीक है, हाँ देख लेना, ठीक है, स्ट्रेन में लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, एक को आर स्ट्रेन जिसमें कि ये नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको कैप्सूल सिर्फ इसलिए नॉन वायरुलेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, ये आर स्ट्रेन लिया, दूसरा क्या मैं ले रही हूँ, एस स्ट्रेन, वायरुलेंट मतलब वायरस होगा ना बेटा, उसका वायरस का उसका न्यूक्लियो कुछ पार्ट उसका लिया है, न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, ये इसका क्या लिया, कैप्सूल, कैप्सूल इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, सॉरी हम बैक्टीरिया पे कर रहे हैं ना, मतलब बैक्टीरिया इसमें नहीं प्रेजेंट, वायरस तो नहीं बोलेंगे ना बेटा, बैक्टीरिया का सर्च होगा ना, कॉलोनीज ऑन कल्चर, कल्चर्स क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या ले रहे हैं,
कवर्ड बाय, उड़ गई जी, सुनाई दे रहा है, उड़ गई मैम। अच्छा, ये कवर्ड होता बाय असिस्टेंट जो है माउस, किससे कवर्ड रहेगा बेटा, पॉली से राइट कैप्सूल, इसमें कैप्सूल है बेटा, ठीक है। कैप्सूल क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया बनता है ना बेटा, बेटा ये बैक्टीरिया है ना, ओके, एक बड़ाई का फिगर बनाते तो बैक्टीरिया ऐसा होता है, यस मैम, है ना। तो बैक्टीरिया में ये तुम्हारा न्यूक्लियाई, ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड हो गया न्यूक्लियाइड, इसी के ऊपर बेटा तुम्हारा क्या होता है, मेम्ब्रेन स्तर बना रहता है, एक होता है सेल वॉल, ये पहले तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर तुम्हारा नहीं, पहले सेल वॉल होगा फिर प्लाज्मा, अरे मैं गड़बड़ कर रही हूँ, तीनों होता है ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, सेल वॉल होगा, सेल वॉल और फिर सबसे आउटर कवर को क्या बोलेंगे, कैप्सूल, कैप्सूल ठीक है। अब तक इनर पार्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके ऊपर जो रहता है वो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया किस का सेल वॉल किससे बना रहता है, बताया था ना मैंने, बताओ बताओ, सब भूल जाओ, पीडोग्लाइकन, ठीक है। ये देखो बताया था ना, ये कैप्सूल देखो, हम जो दवा खाते हैं बेटा, मान लो हमको बैक्टीरिया इंफेक्शन हो गया, ठीक है, कोई भी फीवर वगैरह हो रहा तो पता करते ना बैक्टीरिया इन्फेक्टेड क्या है कि वायरस इन्फेक्टेड क्या है, वो क्या आदित कुछ बैठा है, तो अगर वायरस होगा क्या वायरस होगा तो कुछ दिन में तो चला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक होता है वायरस के कंपेयर में, ठीक है। तो होता क्या है ना, ये जो हम जो दवा खाते हैं बेटा, तो वो दवा ही क्या करता है, ये कैप्सूल के वॉल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। मेडिसिन जो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक जो लेते हैं, इसके वॉल को ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जब ये कैप्सूल, जब उसको रक्षा कवर जो है, सुरक्षा कवर जो है, ये क्या होता है, जब ब्रेक हो जाएगा तो बाकी सारा भी तो डिजोल्व हो जाएगा, तो जब ये डिजोल्व होता है, हमारा तो टारगेट ये है कि ये भी खत्म हो जाए, तब ये तो मर जाएगा ना, जब बाहर का सब ये प्रोटेक्ट तुम अपने घर में हो, जब वो घर को पूरा तोड़ फोड़ दे तो तुम प्रोटेक्ट जोन में रहोगी नहीं ना, वही इमेजिन करो, इसके कैप्सूल को यही डिसॉल्व कर देता है, तभी हम मतलब वो हो जाता है। कई बैक्टीरिया क्या होता है, कई बैक्टीरिया का ये मैं तुमको बताई थी, ग्राम नेगेटिव होती है, ग्राम पॉजिटिव होती है, कौन सा खतरनाक होता बताई थी ना मैं, ग्राम पॉजिटिव पढ़ाया था ना मैंने तुमको बेटा, किसमें पढ़ाया था, मल्टीप्लाई करता है, फिर से वो बैक्टीरिया क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है, वो जल्दी वो खत्म नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको फंगल इन्फेक्शन हुआ है और तुम फिर एंटीबायोटिक खाओगे तो असर करेगा क्या, नहीं करेगा, कई लोग क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन आता है भैया एंटीबायोटिक ले जा रहे हैं, नहीं सही होंगे जब तक वो एंटीफंगल नहीं खाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. फिर आगे लिखो, ये अभी 10 मिनट में चला जाएगा बेटा, जल्दी से लिखो, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, मतलब इसका कैप्सूल किससे बना रहता है, पॉलीसेक्राइड से, ठीक है बेटा, पॉलीसेक्राइड, हाँ। और ये क्या, इसमें पॉलीसेक्राइड नहीं है इसलिए नॉन वायरुलेंट है, एब्सेंट है, ये क्या हो जाएगा, वायरुलेंट, कहानी तो समझी ली गई, अब लिखते जाओ, वायरुलेंट मतलब बेटा पैथोजेनिक,
ठीक है यस मैम प्रोड्यूस ग्लिसरीन स्मूथ सिवा स्मूथ कॉलोनीज ऑन कल्चर. कल्चर मतलब समझ रही हो, ये सब हम कहाँ करवा रहे हैं, मान लो लैब में कर रहे हैं, ठीक है लैब में है. मान लो ये होता है पेट्री डिश होता है, ये क्या होता है पेट्री डिश, जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगी ना बेटा तो समझ में आएगा. पेट्री डिश प्लेट होता है, एक शीशे का बना रहता है. तो अब हम इसमें क्या है, जैसे बैक्टीरिया ग्रो करवाना है. हाँ तो कल्चर होता है, अगार लिए रहते हैं, अगार एक कल्चर मतलब. अब तुमको कैसे बताऊं, तुम जब लैब में वर्क करोगी ना तब तुमको समझ में आएगा. एक्सपेरिमेंट है लैब में कर रहे हैं, ठीक है इसमें ये अब ये बैक्टीरिया जो है मान लो स्ट्रेप्टोकोकस है, उसको ग्रो करवाया, फिर उस बैक्टीरिया को हम उसमें माउस में इनपुट कर रहे हैं. तो इसको एक तुम सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करोगी लैब में, तभी ना करोगी कि कहीं भी बैठ के बस कर लो. समझ में आया ना? ओ मैम सुटेबल. हां उसको ही हम कल्चर बोल रहे हैं बेटा, कल्चर जो प्लेट पे जो कर रहे हैं ग्रो करवा रहे, ठीक है. अब चलो एक्सपेरिमेंट लिखो इसका जल्दी से फटाफट. तुमको फिगर थोड़ा सा जगह छोड़ देना, माउस का अगर फिगर बनाना होगा खाली टाइम में तो बना लेना, वैसे लिख लो छोटा छोटा जैसे मैं छोटा बना रही हूँ ना वैसे ही रफली बना लेना. मान लो पहला में मैंने क्या बनाया, लाइफ है, जिंदा है, ये क्या है आर आर स्ट्रेन, ठीक है. बार बार मैं स्ट्रेन नहीं लिखूंगी, तो इसमें मैंने इंजेक्ट कर दिया. क्या इंजेक्ट किया बेटा इसको, समझ रही हो ना, इसमें इनटू माइस. अब तुम यहाँ पे फिगर छोड़ दो, यहाँ पे तुम क्या करो ऐसे मैं एक बना दूँ बाकी तुम कर लेना, ठीक है. माउस बना दो, वैसे अच्छा बन गया जी. अभी इंजेक्शन दे दिया जाए. मेरा चूजा बन गया मैं. हाँ इंजेक्ट कर, यही इंजेक्शन क्या है, यही तुम्हारा क्या है आर स्ट्रैंड, ठीक है मतलब नॉन वायरुलेंट, ये इंजेक्ट किया इसमें, ठीक है इसको ही इंजेक्ट कर रहे हैं बेटा. तो क्या हो रहा है माउस, क्या हो रहा है माइस जिंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो वायरस है ही नहीं मतलब बैक्टीरिया है ही नहीं, तो कहां से वो होगा. आई मेन तो तुम्हारा कैप्सूल है ना, कैप्सूल तो है ही नहीं. दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, और क्या चौथा ले लो, ठीक. तो दूसरा में क्या किया, जिंदा उन्होंने क्या लिया, एस को ले लिया, एस स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया. मैं लिख नहीं रही हूं, तुम कर लेना, ठीक है ऐसे ही इंजेक्ट कर लेना चूहा में. तो चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा, क्योंकि ये है भाई साहब वायरस, भाई साहब है ये तुम्हारा क्या है नॉन वायरुलेंट, लिख लेना तब तुमको समझ में आ जाएगा. समझ में आ गया? यस मैम. अब हीट कर दो तब जिंदा हो जाएगा. हाँ ये किल्ड, जब हीट करेंगे एस को, असिस्टेंट को, मान लो मैंने फ्लेम जला दिया, हीट किया, तो जाहिर सी बात है ये वायरस मर ही जाएगा ना जी. यस मर जाएगा तो फिर हम कहा क्या करेगा, चूहा प्रेशर करेगा क्या. अब देखो, अब इन दोनों को मिक्स कर दो, लाइफ आर को अब प्लस किल्ड वाले, ये किल्ड हिट किल्ड वाले प्लस प्लेट एस, या तुम एस लिखो कोई जरूरत नहीं है ये लिखना, एस किल्ड, ठीक है यही था ना, एस किल्ड को ले लिया, हीट 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 हीट, ठीक है हीट एस किल्ड. तो क्या हो जाएगा, जब भाई ये भी नॉन वायरुलेंट है और ये भी नॉन, तो ये देख रहा है यार यहाँ पे तो मार रहे हैं तो ये जिंदा हो जा रहा है, बट हमने आर को मिला दिया तो यार यहाँ पर तो ये मर गया. जरूर कुछ लोचा है.
अभी तक तो तुम ही सोचो, मान लो मैंने नॉन वायरस को दिया तो जिंदा हो गया, कहानी समझ में आया ये? चलो ऐसा होगा, जिंदा को दिया तो ये मर गया, ये भी ऐसा होगा, ठीक है। अब हमने जिंदा को मैंने हीट कर दिया, तो कहा जाता ना वायरस या बैक्टीरिया को हम हीट करेंगे तो वो मर जाएगा, तो हीट कर दिया तो यानी कि चूहा पे कोई असर नहीं पड़ा, जिंदा हो गया। अब उसने क्या किया, जिंदा मतलब नॉन वायरुलेंट को और फिर ये जो हीट किया वाला वायरुलेंट को मिला दिया। अब उसने सोचा कि यार यहाँ पे तो हीट कर रहे थे तो जिंदा था, और इसको भी मैंने जिंदा रखा तो इसको जिंदा होना चाहिए ना, उसके हिसाब से तो ये जिंदा होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक हिसाब से तो दोनों नॉन वायरुलेंट हो जाएगा ना, ये हीट कर दिया तो वायरस मर गया, समझ रही हो? तो इसको ही मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया ना, और इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो चूहा तो मेरा जिंदा होना चाहिए, कहाँ से मर गया? तो हुआ क्या ना, कुछ बैक्टीरिया जो मैंने बताया ना स्ट्रेप्टोकोकस का, कुछ बैक्टीरिया का जो सेल वॉल, जैसे मान लो काइट है तो काइट मर गया, जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस का, काइटो का सेल वॉल, अब काइटो का सेल वॉल क्या हो गया, स्ट्रोंग है, मान लो कोई इसमें से होगी कोई ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं मरेगी, ठीक है। तो मतलब तुम सोचो दस दस में से एक बच गया, बाकी सब मर गए जो सरवाइव कर गया। हाँ मान लो हम उसको स्कैन करेंगे, मान लो वो एंटीबायोटिक एक होता है जिसका लैब में भी डालते हैं, रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक डालते हैं ताकि वो बैक्टीरिया क्या हो ना मरे, ठीक है। तो होगा, तब उन्होंने सर्च कर लिया ना कि जरूर इसमें कुछ लोचा है, ये लाइव वाले में जरूर इसमें से कुछ सेल तो जिंदा है जो कि इसके साथ रिएक्ट करके चूहा को मार दिया। हाँ हीट करने के बावजूद भी अच्छी तरीके से हीट नहीं हुआ होगा कुछ, तो इसमें सेल्स जिंदा है जो कि चूहा को मार दिया। तो कंक्लूजन क्या निकाल दिया, ही रिकवर्ड लाइफ, रिकवर्ड या डिस्कवर्ड, ठीक है, एस फ्रॉम कहां से, चूहे का पोस्टमार्टम किया गया, समझी, बेचारा मर गया, इसके बॉडी से वो बैक्टीरिया को निकाला गया, देखा गया, पाया गया, ठीक है, कि ओ इसमें से इसका कैप्सूल है, समझी, कुछ तो मरे हुए हैं लेकिन कुछ तो है, सब कहानी समझ में आया बेटा? यस मैम आ गया। एग्जाम में आएगा तो कर लोगी ना? हाँ। बाकी तो ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन, वो तो कर ही लोगी। देयर इज सम थिंग, देखो कुछ मतलब वही ना लिखा, देयर इज समथिंग है, कुछ है वहां पे, तभी उसको वो क्या बोला, ही कॉल्ड उसको ही बोला कि वो जो कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग, पर उसको ही बोला कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है जो वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा, आप ही बताओ, डीएनए ही होगा ना? यस मैम होगा ना, डीएनए तभी ना ट्रांसफर हो रहा है। यस मैम, कुछ और रहता तो ट्रांसफर होता क्या, नहीं होता, नहीं होता। अभी तो ये लोग तो ट्रांसफर, ये लोग तो अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, आपके जो साइंटिस्ट होते हैं डायरेक्ट समझ जाएंगे कि भैया डीएनए का ही लोचा है, पहले लोग आर स्टैंड एस स्टैंड ऐसे समझते थे, थोड़े वो जानते थे कि ये सब डीएनए का कहानी है। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए ही पढ़ रहे हैं ना, जेनेटिक ही पढ़ रहे हैं ना, मॉलिकुलर जेनेटिक, ठीक है ना, जीन में भी कौन सा न्यूक्लियोटाइड क्या है ये, मतलब सब तुम्हारा डीएनए का खेल है बेटा, ठीक है। अब दूसरे एक नया एक्सपेरिमेंट है, आ जाएगा क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेटा ट्रांसफॉर्मिंग क्या उन्होंने फाइंड आउट किया, एक्सपेरिमेंट भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, और ग्रिफिथ वाला भी इम्पोर्टेंट है।